Hello, Assalamualaikum. So today our new project in C++. In this C++ program project, this is simple bank management system that allows user to create account, deposit and withdraw and close account, delete account, view account, modify account. And we know that कि जो भी हमारा सारा जो काम होता है बैंक बैंक मैनेजमेंट में, बैंक जो हमारे काम करती है, डिपॉजिट करना, पैसे निकलवाना एटीएम के ज़रिए, हर चीज़ के ज़रिए विड्रा करना अमाउंट को, तो वो कैसे होता है, वो बैक एंड पे कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं. तो हमने एक प्रोजेक्ट, सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया है जिसका जिस बैंक का नेम रखा है QZ बैंक. सो जो ये प्रोजेक्ट है, इस पर हमने कुछ लाइब्रेरीज ऐड की हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स बनाए, फाइलिंग यूज़ की है C++ में, और भी काफ़ी चीज़ें की हैं. तो जानते हैं कि हमने किया क्या क्या है. तो पहले हमारी जो लाइब्रेरी है आयो स्ट्रीम, तो आप सबको जैसे पता है कि आयो स्ट्रीम एक सिंपल लाइब्रेरी है जो हमारे इनपुट और आउटपुट स्क्रीन देने में मदद करती है. जो भी हमारे सिंपल से टास्क वगैरह होते हैं, जो भी हमारी मेन मेमोरी में जो या मेन फंक्शन के अंदर जो भी हम काम करते हैं, जो जिस लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, वो आयो स्ट्रीम का करते हैं. तो नेक्स्ट लाइब्रेरी है एफ स्ट्रीम. तो एफ स्ट्रीम यहाँ पे क्या कर रही है, तो एफ स्ट्रीम का ये काम है कि एफ स्ट्रीम फाइलिंग को, हमारी फाइलिंग को इनपुट या आउटपुट देने में मदद करती है. फाइलिंग कैसे, जो भी हम अपने इनपुट या आउटपुट दे रहे हैं तो वो कहाँ पे, उसको कहीं पे सेव करना, ऐसे ना हो कि जो हमने इनपुट आउटपुट दिया और कंसोल बंद हो और वो डिलीट हो जाए, नहीं. तो हमने तभी एफ स्ट्रीम यूज़ किया है. और दूसरा है आयो मैनिप. आयो मैनिप क्या किया है, और इनपुट और आयो इनपुट एंड आउटपुट को मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब जो भी हम इनपुट और आउटपुट दे रहे हैं वो मिडिल में आए, मतलब उसको उसकी एनिमेशन ठीक से आए. और तीसरी लाइब्रेरी इंक्लूड डॉट टाइम डॉट एच. टाइम डॉट एच क्या करेगा, टाइम डॉट एच ये करेगा, ये फंक्शन के रिलेटेड जो भी डेट एंड टाइम है उसको हमें प्रोवाइड करने में मदद करेगा. और जो तो चौथे नंबर पे इंक्लूड stdlib.h है, ये क्या करेगा, ये जनरल पर्पज जो फंक्शन इंक्लूडिंग रेंडम नंबर्स जो हम इस पर जनरेट करवा रहे हैं उसको हमारे में डिस्प्ले करवाने में काम देगा या आउटपुट देने में काम करेगा. और चौथा है कोनियो. कोनियो क्या करेगा, कोनियो भी हमारा ऐसे ही है कि इनपुट और आउटपुट फंक्शन को, जैसे गेच फंक्शंस जो हमने यूज़ करें इस प्रोग्राम में, इस प्रोजेक्ट में, उसको हमारे इसको इजी बनाने के लिए हमें ये यूज़ करेगा. अभी हमें इंक्लूड वेक्टर, हमें क्या है, वेक्टर तभी यूज़ किया है कि जो हमारे डायनेमिक एरे हमने यहाँ पे यूज़ किया है उसको मदद करने के लिए हमने यहाँ पे वेक्टर यूज़ किया है. और 10वीं लाइब्रेरी जो हमने dos.h यूज़ किया है, वो जो dos के स्पेसिफिक फंक्शन से जो कहीं और पे नहीं होते, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में नहीं होते या किसी और में नहीं होते, उसको एक्सेस करने के लिए हमने dos.h का यूज़ किया है. अभी डिफाइन डॉट इंट्रो क्या है, ये हमने वेक्टर की मदद से किया है, जो हमने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ किया है कि अगर यूज़र 3 से ज़्यादा पासवर्ड अटेम्प करे तो उसका अकाउंट बंद हो जाए, मतलब नहीं, मतलब कि अगर वो अकाउंट को गलत पासवर्ड देगा तो उसका प्रोग्राम ऑफ हो जाए. तो आगे बढ़ते, तो आगे हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है void enter के नाम से, उस पर सिर्फ डिस्प्ले करवाया है कि हमारे जो बैंक है वेलकम टू QZ बैंक. तो जो दूसरी फंक्शन हमने void लोडिंग बनाया है जिसका रिटर्न टाइप कोई भी नहीं है, उसको हमने सिर्फ लोडिंग फंक्शन दिया है. जैसे भी जैसे डिस्प्ले में लोडिंग फंक्शन आता है, पहले हम फंक्शन को जानते हैं, फिर हम देन देखते हैं कि आउटपुट में क्या क्या आता है. तो ये एक लोडिंग फंक्शन है. तो फिर हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम रखा है अकाउंट, और जिसके हमने मेंबर्स पब्लिक रखे हुए, क्रिएट अकाउंट, शो अकाउंट, मॉडिफाई अकाउंट, डिपॉजिट फंड, ड्रा फंड, गेच रिपोर्ट, गेच अकाउंट, एंगेज फंड, गेट अकाउंट टाइप्स. तो हमने जो void अकाउंट, क्रिएट अकाउंट बनाया है उस पर हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि अगर यूज़र ये दे तो उसका एस दे तो उसका सेविंग अकाउंट क्रिएट हो, सी दे तो उसका क्रेडिट अकाउंट क्रिएट हो, अगर उसने सेविंग अकाउंट बनाया है तो उसको डिपॉजिट 500 से ऊपर करना पड़ेगा, अगर उसने करंट बनाया तो उसको 1000 से ऊपर करना पड़ेगा. तो फिर ये मैसेज क्या प्रिंट हो, मैसेज ये प्रिंट हो कि अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो ये बनाया.
और फिर हमने एक वही मेंबर एक्सेस किया है शो अकाउंट के नाम से, जो हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट का बनाया था, जिसमें हमने अकाउंट नंबर्स को शो करवाए, अकाउंट होल्डर को शो करवाए, ये सारे मेंबर्स हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट के। फिर हमने ये कैच रिपोर्ट भी वही है ऑब्जेक्ट मेंबर उसका। फिर हमने जो पेरेंट करवाए हैं, फंक्शन को पेरेंट करवाए, जो हमने मेन बॉडी में ऊपर बनाए थे उसको ही हमने पेरेंट करवाए। ये हमने सिर्फ दो, जो हमने ऊपर में आपको बताया कि जैसे हमने दो किए हैं बनाए वो वाले अटेम्प वाले, उस पर सिर्फ हमने दो के पासवर्ड, जैसे कि बैंक मैनेज सिस्टम में कोई एक मैनेजर होता है एक सब मैनेजर भी होता है ना, तो दो एक्सेस कर सके और दो से तीन से ज़्यादा एक्सेस कर सके, तो हमने दो का एक्सेस बनाए हैं, जो पहला जैसे मेरा अब्दुल कुदूस, दूसरा जुहेब, तो पहले का पासवर्ड 123 है और दूसरे का 46। मतलब ये सिर्फ प्रोग्राम सिर्फ दो बंदे चला सकते हैं, एक कुदूस एक जुहेब। तो उसके बाद हमने जो एक स्ट्रिंग यूज़र नेम पासवर्ड बनाया है अकाउंट नाम से, जो हमने पहले ही अटेम्प्ट दिया था, जो हमने बैक स्पेस कैरेक्टर अटेम्प हर चीज़ हमने ऊपर डिफाइन कर ली हुई थी ऑलरेडी, तो ये हमने फंक्शन बनाया। तो फिर इसके बाद जो हमारा इंटर फंक्शन जो हमने बनाया है वो सिंपली एनिमेशन के तौर पे डिस्प्ले करवाया है, जिसमें हमने लिखा हुआ है बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक एक अल्फ़ाबेट को सिंपली सिंपली चला के हमें आउटपुट दिखाएगा। जानते हैं कैसे चलाएगा, पहले हम फोर को समझ लेते हैं। तो ये फोर जो हमने लूप बनाया हुआ है, जिसपे हमने दो पेरेंट कुछ दिए नहीं, इस पर आगे सारे क्योंकि क्लास ऑब्जेक्ट में हमने बनाए हुए, तो तभी हम नीचे सारा डिफाइन कर रहे हैं उसको, कैसे हम ले रहे हैं यूज़र से अपना नाम, क्लोज अकाउंट, मॉडिफाई अकाउंट। तो ये हमने एक स्विच केस बनाया हुआ है, उस पर हम सारा काम वगैरह कर रहे हैं, उस पर हम सारे जो भी हमने फंक्शन बनाए उसको भी कॉल कर रहे हैं, और जो हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाए उसके भी यूज़ कर रहे हैं इसमें। और इस पर हमने कलर एफओ बनाए, ये जो भी हमारे कलर एफओ मीन्स जो हमारे कलर कोई भी एक होता है सिंपल, तो उसको यूज़ करने के लिए कलर बनाए। तो अभी राइट अकाउंट में हमने क्या किया है, राइट अकाउंट में हमने फाइलिंग यूज़ की है। कौन सी फाइलिंग? फाइलिंग हमने बाइनरी इनपुट वाली की है, जिसका हमने नाम रखा हुआ है अकाउंट और डेट। अकाउंट और डेट ये करेगा जो भी हमारे यूज़र अकाउंट इनपुट वगैरह या आउटपुट वगैरह देगा उसको हमें सेव करके रखेगा अपनी जगह पे। फिर हम अपनी जगह पे जैसे हम जाने कि हमारे आल अकाउंट कौन कौन से हैं, किस किस का अकाउंट है, तो वो किसकी मदद से हमें शो होगा, इस फाइलिंग की मदद से शो होगा। जो भी हम इनपुट देंगे आउटपुट देंगे इस फाइलिंग की मदद से देंगे। और जो हमारा दूसरा वाइड डिस्प्ले एसपी पूल, इस पर भी हमारे बैंक के रिलेटेड डिटेल्स, जो हमारी जो फाइलिंग हुई हुई है, अगर कोई चीज़ हमें ढूंढनी है, जिस किसका अकाउंट और किस किसका अकाउंट नहीं मिल रहा उस फाइल में, तो क्या दिखा है, फाइल कुड नॉट बी ओपन प्लीज़ एनी की। अगर वो प्रेस एनी की करेगा फिर वो रिटर्न हो जाएगा मेन मेन्यू के अंदर। सॉरी, तो नेक्स्ट हमारा ये भी फाइलिंग की है कि जो हमें ढूंढ रही है, हम यहाँ पे सारे फाइलिंग के यूज़ किए हुए हैं। फिर हमारा बेसिकली मतलब इसका सिक्योरिटी पर्पज़ ज़्यादा बनाना था, कि सिक्योरिटी कैसे बैंक मैनेजमेंट की ज़्यादा होनी है और क्या क्या स्टेटिंग, क्या क्या उसके काम ज़्यादा होते हैं। अभी ये वॉइड डिलीट अकाउंट के बनाए, जो भी हमें कोई अकाउंट बनाए हैं, कोई स्पेसिफिक बंदे का अकाउंट डिलीट करना है, तो हम कैसे करेंगे, फाइल को ओपन कर रहे हैं, जैसे इस स्ट्रीम यूज़ किया है, फाइल को ओपन किया, उस पर बंदे का नाम, उसका अकाउंट नंबर ढूंढा और जहाँ पर उसकी डिटेल थी उसको डिलीट कर दिया। तो हम ये देखेंगे बाद में यूज़ करके, पहले हम देखें अभी वाइड डिस्प्ले ऑल कॉल कर रहे हैं। ये जो हमने पासवर्ड बनाया हुआ है बैंक का, एक स्पेसिफिक पासवर्ड बनाया हुआ जिसमें हमने 111 जिसका पासवर्ड रखा हुआ है। इस पासवर्ड को ये कि जो भी हम अकाउंट डिलीट कर रहे हैं तो पहले वो पासवर्ड मांगेगा कि आपका अकाउंट बैंक का पासवर्ड क्या है। हमने बीच में तभी रखा है कि कोई ढूंढ ना सके इसको, तो ये सिर्फ हमें पता है कि जिसने प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो हमने क्या रखा है, 111। ये बात सारा काम वही हो रहा है, फाइलिंग वाला कोई वो चीज़ ढूंढ रही है, डिपॉजिट करवा रही है वो फाइलिंग के अंदर हो रही है, जो कोई विड्रा हो रहा है वो फाइलिंग के हो रहा है। तो ये हमारा यहाँ तक हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। तो अब जानते हैं, अब देखते हैं कंसोल आउटपुट स्क्रीन पे होता क्या है। अभी जैसे देख सकते हैं कि हमने व्हाइल लोडिंग फंक्शन यूज किया था, जिसकी मदद से लोडिंग यूज हो रहा है, अभी अकाउंट पास हो रहा है।
तो पहला हमने अकाउंट के दो बंदों का अकाउंट था, कुदूस और सोएब के नाम से। तो मेरा जो नाम था कुदूस छोटे स्पेलिंग, और पासवर्ड क्या था 123। पासवर्ड भी हमने हाइड कर लिया था जैसे किसी को दिखाई ना दे, किसकी मदद से, उसकी उसकी मदद से, वेक्टर्स अटेम्प्ट की मदद से। तो ये हमारा, ये हमने क्या था जो हमने, मैंने आपको बताया था कि बैंक एनिमेशन जो मैंने की थी वो अल्फ़ाबेट की, ये उसकी मदद से। तो ये हमारा सारा कंसोल आ गया जिसमें हमने क्रिएट न्यू अकाउंट, डिपॉजिट फंड, विड्रा फंड, चेक अकाउंट, व्यू ऑल अकाउंट होल्डर, क्लोज एन अकाउंट, मॉडिफाइड एन अकाउंट, एग्जिट एन अकाउंट। तो हम पहले अकाउंट को क्रिएट करते हैं कि क्रिएट अकाउंट हम कर कैसे सकते हैं। तो हमारे पहले हम प्रेस वन की करेंगे, तो जो ये रेंडम नंबर की जनरेट मदद से हमारे पास एक अकाउंट नंबर जनरेट हो गया है जिसका है 4507। ठीक है, तो अभी हम अकाउंट बंदे का अकाउंट का नाम लेते हैं, जैसे मेरा नेम अब्दुल, और मैं क्या अकाउंट बना सकता हूँ, कौन सा बनाऊँ, सेविंग बनाऊँ या क्रेडिट बनाऊँ। मैं सेविंग बनाता हूँ, इस क्रिएट करता हूँ। तो मैं कम से कम सेविंग के लिए हमें 1000 से मोर करना पड़ेगा, और उसके लिए तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि पहले अकाउंट हम अकाउंट जो सेविंग के लिए उसमें हम 500 से ज़्यादा डिपॉजिट करवा सकते हैं, और जो हमारा करंट अकाउंट है वो 1000 से ऊपर। तो हमने क्या क्रेडिट किया है, हमने सेविंग किया है, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल अमाउंट 500 से ऊपर, तो हम 1000 कर लेते हैं। तो 1000 हमारा अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली हो गया। तो आ गए अभी हमें डिपॉजिट, पहले हम देखते हैं कि हमारा अकाउंट व्यू लिस्ट, व्यू ऑल अकाउंट होल्डर में आ गया है या नहीं आया। तो हम प्रेस 5 की करते हैं, तो अभी बैंक का पासवर्ड जो हमारा 111 था, मैंने आपको बताया था पहले, वो यूज़ करते हैं। तो हमारा अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली हो गया है। तो हम इस अकाउंट को कॉपी करते हैं जिससे हम इस पर डिपॉजिट अमाउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो इनिशियलाइज अमाउंट डिक्लेयर की वो दी थी, जिसको हमने करवाई थी इनिशियल, वो अमाउंट वो 1000 थी। तो अभी इस पर डिपॉजिट करवाते हैं और पैसे। तो ये अकाउंट नंबर मांगा है, ये हमने वो अकाउंट दे दिया। तो इस पर हमें इससे डिटेल देगी कि मेरा नाम अब्दुल कुदूस है, टाइप ऑफ अकाउंट एस मीन सेविंग, और बैंक अकाउंट 1000। तो डिपॉजिट इंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, कितने डिपॉजिट हम करवा सकते हैं, हम 5000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाते हैं। तो ये बता रहा है कि रिकॉर्ड अपडेटेड, किसकी मदद से, फाइलिंग की मदद से, जो हमने सिस्टम डॉट डेट डेट यूज़ किया था उसकी मदद से। अब देखते हैं कि हमारे उस पर पैसे इंक्रीज हुए हैं या नहीं। तो हम व्यू ऑल अकाउंट 5 में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पैसे, हम भी देखें कि हमारे पैसे 6000 हो गए। तो हम बैंक जाते हैं, अभी विड्रा फंड करते हैं डेली पे, तो अकाउंट नंबर देते हैं। अभी हमारे पास 6000 रुपये पड़े, हम कितने विड्रा करें, हम 5000 रुपये विड्रा करते हैं। रिकॉर्ड अपडेटेड, अब देखने हैं कि हमारी व्यू लिस्ट, व्यू अकाउंट होल्डर में कितने पैसे हुए, 1000 जो हमने इंक्रीज किए थे वो इंक्रीज हो गए। अभी अभी हमने बैलेंस चेक करना है, तो कैसे करेंगे, 4 दबा के अकाउंट का दबा के, हमारे पास कितने, हमारा अकाउंट का टाइप ये है, नेम ये है। तो जैसे आपने देखा हमारी चेंजेस हो गई, हमने सी किया था और हमारे पास अकाउंट में पैसे नहीं बचे क्योंकि हमने कोई अमाउंट दी नहीं है। तो हमारा अकाउंट मॉडिफाई हो गया है, अभी कुछ भी इस पर और मॉडिफिकेशन नहीं करते। बैंक चलते, टाइप ऑफ अकाउंट सी कर लेते, अकाउंट अमाउंट कितनी 3000 कर लेते हैं। अपडेट रिकॉर्ड हो गया, 5 में देखते हैं कि हमारा अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। अपडेट हो गया, अब पर हमारा अकाउंट टाइप सी, क्यों नाम नहीं दिया था तभी नेम नहीं आया, तो अभी हम नेम भी देते इसमें, मॉडिफाई में जाके अकाउंट का नंबर वहाँ पर देते और नाम भी दे देते, टाइप सी और अमाउंट 3000 वैसे कर लेते हैं। अभी 7 में जाके अकाउंट को देखते हैं कि हमारे पास, जैसे देखते हैं कि हो गया हमारा चेंजेस वगैरह और भी हो गई, अभी विड्रा भी हो गया, चेक भी हो गया। अभी अकाउंट को डिलीट करते हैं, डिलीट कैसे करेंगे, 6 में जाएंगे ऑप्शन में और अकाउंट का नंबर देंगे, और ये हमारा अकाउंट जो है डिलीट हो गया।
अभी इंटर को दबाएंगे, हम बैक पे आ गए। अब देखते हैं हमारा अकाउंट डिलीट सक्सेसफुली हुआ है तो या नहीं हुआ। तो अभी हम फाइव में जाके देखते हैं हमारा अकाउंट सक्सेसफुल, कोई भी यहाँ पे अकाउंट नहीं है। तो थैंक यू सो मच, ये था आज का बैंक मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा सिंपल प्रोग्राम था। होपफुली आपको पसंद आया होगा। सो लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अभी प्रोग्राम को बंद करते हैं एक दबा के। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।